तो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? आप सबको स्वागत है कोनी गेम प्ले वीडियो में। तो गाइस, इस वाले मैच में क्या होता है कि हम खेल रहे होते सोलो वर्सेस स्क्वाड और आए होते हैं यहाँ पर थर्ड हिल में, और थर्ड हिल में उतरते के साथ ही मेरे को यूजी प्लस एक एम मिल जाती है। तो ये वाले बंदे तो बचने वाले तो है नहीं, तो बस देखना। अब क्या होता है कि इन बंदों पर जैसे मैं थोड़ा सा भारी पड़ने लगता हूँ तो मतलब देखना क्या ही स्कैम करते हैं बंदे। अब यहाँ पर ये बंदे शायद मुझे जानते थे, इसलिए अभी देखना क्या होगा। बस यहाँ पर मुझे एक एम भी मिल जाता है तो मैं सीधा क्लोज इन कर देता हूँ, लेकिन भाई नेक्स्ट लेवल ही धोखा होता है, तो बस देखना। स्पॉट होता है जो कि सामने वाले छत पर आ जाता है। अब यहाँ पर इसे मारने के लिए मैं अपने छत पर जाता हूँ, तभी देखने बंदा कूद के दूसरी साइड चला जाता है फ्लैंक करने के लिए। अब यहाँ पर इनके तीन बंदों को मैंने एक एक एचपी कर दिया, लेकिन भाई मैं पुश नहीं कर सकता था क्योंकि मेरे पास हेलमेट वेस्ट नहीं होता। तभी एक बंदा छत पर आता है। और यहाँ पर बंदों की प्लानिंग देख रहे हो, मतलब ये बंदा छत पे आएगा, मैं इसे मारूंगा या फिर नॉक करूंगा, और ये बंदा सामने से M4 से मुझे फिनिश कर देगा। मतलब एक नंबर प्लानिंग करी तीन बंदों ने, लेकिन अभी देखना इनकी प्लानिंग कैसे चूर चूर करते हैं। अब उन्होंने सोचा कि मैं यहाँ पर डैमेज हो चुका हूँ, तो भाई तीनों साथ में पुश करेंगे तो ईजिली मुझे मार देंगे, लेकिन देखो यहाँ पर क्या होता है। और यहाँ पर इस बंदे को लगभग मैंने एक एचपी छोड़ी होगी क्योंकि यूजी की बहुत सारी हेड लगी थी इसको। अब यहाँ पर ये बंदा 1 HP होता है, इसलिए उछलने लगता है क्योंकि इसके पास और कोई रास्ता था नहीं मीटअप के अलावा, इसलिए बंदा यहाँ पर उछल के मीटअप कर लेता है। अब यहाँ पर मेरे दिमाग में आता है कि भाई कहीं धोखा ना कर दे, क्योंकि ये ऑल पर कुछ बोल नहीं रहा था और यहाँ पर इसने इतनी सारी फाइट ली, तो यहाँ पर ये बंदा मुझे मारने आया था। लेकिन जब पता लगा कि भाई मैं ही मरने वाला हूँ, इसलिए मुझे यहाँ पर मतलब इसने टीम अप कर लिया मेरे से। अब यहाँ पर मैं इस बंदे को ईजिली निपटा सकता था अभी भी, लेकिन भाई ये बंदे क्या ही धोखा देते हैं आपको अभी देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पर इन बंदों के टीममेट्स पता नहीं का ही होते हैं, तो यही दो होते हैं यहाँ पर, और इन बंदों ने देखना मतलब क्या ही धोखा दिया। अब देखो अभी भी चल रहा है, मैं इनसे ऑल पे माइक करके थोड़ा कुछ बोलता भी हूँ, लेकिन भाई मतलब कोई रिप्लाई नहीं देते। अब फिलहाल छत पर आता हूँ, मैं बोलता हूँ कवर में आ जाओ, लेकिन देखो यहाँ पर क्या स्कैम करते हैं बंदे। अब यहाँ पर उनको ना मारने का मेन रीज़न ये था क्योंकि अगर आप में से कोई होता तो मतलब गलत ही स्कैम हो जाता, क्योंकि अगर आप रियल में मीटअप करना चाहते और मैं मार देता तो मतलब बहुत ज़्यादा बुरा लगता आपको, इसलिए यहाँ पर मैंने मारा नहीं। और यहाँ पर हो सकता था कि मेरा माइक भी ग्लिच हो गया हो, इसलिए मैंने यहाँ पर मारा नहीं इन बंदों को, और वो बंदे इसलिए निपटा देते हैं मुझे, और इसे एक प्रकार का धोखा ही कहेंगे। अब यहाँ पर इस वाले गेम प्ले में आए थे हम ओल्ड बेसिन, और यहाँ पर एक पूरी की पूरी स्क्वाड आती है, तो बस देखो कैसे निपटाते हैं इन्हें भी। और एक और इम्पोर्टेंट बात, आप में से कोई लोग पूछते हैं कि भाई मेरे कंट्रोल्स और सेंसिटिविटी क्या है, तो भाई वो चीज़ें दिखा, तो भाई आपको चीज़ें इंस्टाग्राम पे मिल जाएगी जो कि मैंने कल ही परसों पोस्ट कर दिया है, तो वहाँ से आप जाके इजीली देख सकते हो, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और हाँ, तुम्हारे भाई को फॉलो भी कर लेना प्लीज़ यार, ठीक है। अब यहाँ पर देखो एक और बंदे का फुटस्टेप आता है मुझे, जो कि सामने वाले छत पर होता है, तो बस देखो। अब यहाँ पर जैसे ही इस वाले बंदे को मारता हूँ भाई, इसका चौथा मेंबर मतलब इतना ज़्यादा गुस्सा हो जाता है कि मतलब अंधाधुंधी मेरे ऊपर पुश कर जाता है। अब यहाँ पर देखो कैसे निपटाते हैं इस वाले बंदे को। और यहाँ पर एक बात नोटिस करना, मुझे यहाँ पर फ्लेयर गन मिल चुकी है। और भाई कई लोग पूछते हैं कि भाई तू फ्लेयर गन क्यों नहीं चलाता, मतलब उसमें क्या हो जाता है कि आपको अच्छे खासे किल्स नहीं मिल पाते उस वाले गेम में, क्योंकि फ्लेयर गन चलाने के बाद ड्रॉप आने में बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है और उसी में सारे बंदे निपट जाते हैं। अब यहाँ पर शायद आपने नोटिस किया हो कि नहीं कि भाई मैंने सभी बंदों को मतलब जो भी बंदे को मारा है यहाँ पर, सभी के पास गन्स होती है, वेपन्स होती है, मतलब एक के पास M4 थी, स्कारल थी और AKM थी, मतलब सभी के पास वेपन्स होती है, और उन बंदों को मारने में मतलब अलग ही मजा आया। अब यहाँ पर मेरा फ्लेयर ड्रॉप आ चुका है, तो यहाँ से मुझे क्या मिल जाती है,
MK14 विद एक्सटेंडेड मैग, तो अब अलग ही तबाही मचने वाली है गेम में। और मतलब ऐसे क्लचेस देखने को मिलेंगे ना आपको, मतलब मजा आ जाएगा बिल्कुल। तो यहाँ से आप सीधा निकलेंगे बंदों की तलाश में। अब देखो यार, मैंने तुम्हारे डिमांड पर यहाँ पर गिली सूट भी उठा ली और फ्लेयर गन भी चला दी। तो भाई देखो, अगली बार से कमेंट में मत लिखना कि मतलब तू तो फ्लेयर नहीं चलता या फिर गिली सूट नहीं उठाता। उसके बाद मैं यहाँ पर आता हूँ सेंट्रल रोड में, और यहाँ पर मुझे पीछे से फुटस्टेप आया, और यहाँ पर पूरी की पूरी टीम होती है, तो बस देखना कैसे निपटाते इन्हें भी। और यहाँ पर जब आपके पास एम के हो और आपके मतलब आदत हो हेड पर कनेक्ट करने की, तो मतलब क्या ही तबाही मचा सकते हो आप पूरे के पूरे गेम में। अब इस वाले मैच में भी सेम टू सेम यही होता है। अब एक बंदे को जैसे निपटाता हूँ दूसरा बंदा आता है, लेकिन भाई इस वक्त मेरे हाथ में M4 होती है, तो M4 से निपटाना पड़ता है इस बंदे को। तो बस देखो, अब यहाँ पर इस वाली टीम को मारने के बाद मैं यहाँ पर लूट भी नहीं करता, क्योंकि मेरे पास यहाँ पर अच्छी खासी लूट होती है, क्योंकि MK है तो भाई कोई डरने की बात नहीं है। अब यहाँ पर मैं बंदों को ढूंढ रहा था, तभी देखो अब ऐसा बहुत कम होता है कि जब भी एक अकेले बंदे के पीछे पूरी की पूरी स्क्वाड कार लेके पीछे लग जाती है, तो उसका बचना मतलब बहुत कम चांसेस होते हैं, बहुत रेयर मतलब बंदा बचता है। लेकिन यहाँ पर उन बंदों ने खुद मेरे को जीवन दान दे दिया। अब यहाँ पर क्योंकि मेरे पास MK14 होती है, तो मैं यहाँ पर ज़्यादा नहीं डर रहा था, लेकिन फिर भी यहाँ पर एक नेड को कर लेता हूँ। लेकिन भाई वो बंदे मतलब क्या ही सोचकर जोन में चले जाते हैं, क्योंकि जोन इधर नहीं होता और जोन के बाहर बंदे फाइट भी नहीं लेते। अब यहाँ पर मैं भी ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करता, क्योंकि मेरी कार का फ्यूल खत्म हो जाता है, तो सबसे पहले फ्यूल भरता हूँ और सीधा उन्हीं बंदों के पास जाता हूँ जो कि अभी यहाँ से गुजरे हैं, और वो बंदे मेरे को मिलते भी है। तो बस देखना, और यहाँ पर वो बंदे मेरे को मिलते भी है जो कि सामने रेड हाउस में होते हैं। और यहाँ पर मैं इसलिए सीधा गाड़ी नहीं उठाता, क्योंकि भाई MK कुछ नहीं कर सकती थी अगर चार बंदे फायरिंग करे। अब यहाँ पर मैं थोड़ा मतलब सोचता हूँ कि स्प्रे से एक बंदे को नॉक करूँ, और होता ऐसा ही है। तो बस देखो, और यहाँ पर सच बोलूँ तो मैं इजीली मर सकता था, लेकिन भाई उस बोट ने मेरे को बचा लिया, क्योंकि जो पहला बंदा था उसका पूरा का पूरा ध्यान मतलब बोट की तरफ डाइवर्ट हो जाता है, और जो उसका सेकंड बंदा होता है वो भी बोट की तरफ देखने लग जाता है। और इसी के बीच तुम्हारे भाई ने यहाँ पर एक ग्रेनेड कुक करके फेंक दिया। अब यहाँ पर इसी ग्रेनेड से सारे के सारे बंदे मारे जाते हैं, तो भाई इसके लिए एक लाइक जरूर करना। अब यहाँ पर वो वाला ग्रेनेड अच्छा लगा तो भाई कोई नहीं, भाई ये वाला क्लच आपको बिल्कुल पसंद आने वाला है, क्योंकि यहाँ पर 1v4 देखने को मिलने वाला है आपको, वो भी MK से। तो बस इंजॉय करो। और यहाँ पर इस वाले 1v4 क्लच के लिए सब्सक्राइब बटन फूट जाना चाहिए, मतलब इतनी जोर से मारो कि सब्सक्राइब बटन फूट ही जाए। अब यहाँ पर आप इसके लिए एक लाइक वीडियो कर सकते हो। खैर, इन बंदों को मारने के बाद मैं यहाँ पर फटाफट हील करता हूँ, और फिर मेरा ध्यान मैप में जाता, तो भाई एक ही बंदा बचा होता है मेरे अलावा, तो उसे भी ढूंढना पड़ेगा यहाँ पर। और यहाँ पर मैंने ये क्यों बोला कि भाई मेरा ध्यान मैप में आता है, मतलब मैं देखता हूँ कि अलाइव केवल दो बंदे बचे होते हैं, तो एक ही बंदा बचा होता है मेरे अलावा, और उस बंदे को लगभग मैं 4 से 5 मिनट ढूंढता हूँ, और वो बंदा मेरे को कहाँ मिलता है अभी आपको पता लग जाएगा। अब यहाँ पर मेरी कार का फ्यूल देख सकते हो, मतलब पूरा फुल था जब से मैं घुमा रहा हूँ यहाँ पर, बहुत देर से घुमा रहा हूँ, और यहाँ पर बहुत देर तक घुमाऊंगा अभी, लेकिन तब भी बंदा मुझे मिलता नहीं है, और वो बंदा कहाँ पर मिलता है अभी आपको पता लग जाएगा। और यहाँ पर ये बंदर किस प्रजाति का था कमेंट में जरूर बताना। खैर, यहाँ पर पहुंचने के बाद मैं एक नेड कुक कर लेता हूँ और सीधा फेंक देता हूँ छत पर।
लेकिन भाई यहाँ पर ये वाला बंदर कुछ ज्यादा ही समझदार होता है, उसने पहले मेरे ऊपर नेड कर दिया था, लेकिन भाई हम भी कहाँ कम थे, तो बस देखो कैसे निपटाते इसे भी। और यहाँ पर लास्ट वाले बंदे को भी इजीली निपटा देते हैं MK-14 से। अब यहाँ पर क्योंकि मैंने फ्लेयर चलाई थी, फिर भी अच्छे खासे किल्स हो गए मेरे, क्योंकि यहाँ पर मुझे MK मिल चुकी थी, तो भाई MK से क्या ही क्लचेस किए मैंने। खैर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो पर लाइक जरूर कर देना, चैनल पर ना तो इसी प्रकार की गेम प्ले वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट गेम प्ले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।